नवी मुंबई के उरड़ स्थित ONGC के प्लांट में 3 सितंबर की सुबह भड़की भीषण आग की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक CISF के अंगरक्षक अग्नि जवान महेंद्र कुमार पासवान झंघा थाना क्षेत्र के गहिरा गोरखपुर का रहने वाला था, जिसकी विधवा पत्नी संध्या देवी को गुरुवार को गोरखपुर के NXC भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद के लिए 25 लाख का चेक दिया। गौरतलब है कि मुंबई के आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के संयंत्र में 3 सितंबर को आग लगी थी। इस हादसे में गोरखपुर जिले के झंघा थाना क्षेत्र के गहिरा रघुनाथपुर टोला निवासी CISF के आरक्षक अग्नि जवान महेंद्र कुमार पासवान उर्फ बबलू की भी मौत हो गई थी। महेंद्र की उम्र 35 वर्ष थी। महेंद्र कुमार पासवान 2008 से ही मुंबई में कमाने चले गए थे। वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ CISF में भर्ती हो गए थे। वह ड्राइवर के पद पर तैनात थे। मुंबई में हुई पति की मौत के बाद उनकी पत्नी संध्या ने गोरखनाथ मंदिर ने CM योगी से मिलकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए CM योगी ने गुरुवार को NXC भवन के सभागार में संध्या देवी को 25 लाख का चेक दिया। ₹25 लाख का चेक है। पिछली बार आप आए थे ना यहाँ मेरे पास गोरखपुर मंदिर में, ये 25 लाख का विभाग की तरफ से आपको चेक दिया जा रहा है। CISF ने भी आपको दिया है पैसा कि नहीं आया अभी? उनका पैसा उनका भी आ जाएगा, अभी वहाँ से भी 15 लाख रुपए का अतिरिक्त और आएगा, ठीक है ना। बाकी और जो कुछ होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। लीजिए पकड़ इसको। जिसको बैंक में खाता है ना, बैंक में अपना जमा करा देंगे, ठीक है। ONGC के मुंबई में एक केंद्र में आग लगने से वहां पर यहाँ का एक जवान शहीद हुआ था। मैं पिछले दौरे पे आया था, वो परिवार उससे मिलने के लिए आया था। गहरा के रहने वाले महेंद्र पासवान, तो उस जवान मैंने भारत सरकार से और केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री से इस बारे में कहा था कि उस परिवार को भी कोई सहायता नहीं मिल पाई है। आज उस परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता हो रही है। मैं भारत सरकार के प्रति और केंद्रीय प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।